तो हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये फ्री सेट टॉप बॉक्स है जिसमें पावर की प्रॉब्लम है, इसमें पावर नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, इसके सारे स्क्रू को। तो दोस्तों, आप हमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि बहुत सारे टाइप से चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने खुद से घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो ये देखिए, यहाँ ये कवर खुल चुका है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये पावर। इसका पहले कनेक्शन चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। तो यहाँ हम मेरा जो सब कनेक्शन है पावर का वो देख रहे हैं, तो ये सब सही है। चलिए इसे निकाल के, अब ये जो है बोर्ड जो है चला हुआ है, इसका अच्छे से चेक कर ले। यहाँ फ्यूज है, फ्यूज भी चेक कर ले कि फ्यूज हमारा सही है कि नहीं। सबसे पहला फ्यूज चेक करना है, उसके बाद चेक करना। दोस्तों देखिए, मैंने ये निकाल लिया है कि खराब बोर्ड है, इसे हटा देते हैं। पावर सप्लाई कार्ड है, ये खराब हो चुका है। दोस्तों इसे भी आपको बनाना सिखाएंगे बाद में कि कहाँ से क्या फॉल्ट हुआ है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए आपको शॉर्टकट में इस ये है पावर सप्लाई कार्ड। यदि पावर नहीं आ रही है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो फिर से मैंने यहाँ पे पावर कार्ड जो है ये न्यू लगाया है, सब कनेक्शन सही है। और ये जो सेट हो चुका है ठीक से, है ना, ये कनेक्शन भी यहाँ से ठीक कर ले। फ्यूज है, फ्यूज बॉक्स है ये, चलिए ये भी सही है। तो यहाँ फिर से जैसा कनेक्शन था उसी तरह कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए ये है पुराना वाला कार्ड, इसे बाद में आपको बताएंगे किस तरह से इसे भी क्या फॉल्ट है इसमें, इस कार्ड ये बताएंगे आपको, ठीक है। यह पुराना कार्ड और न्यू कार्ड ये लगा चुके हैं। तो चलिए अब पावर देते हैं, देखते हैं हमारा पावर जो है ये आ रही है कि नहीं। तो ये है इसका प्लग, तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा जो फ्री सेट टॉप बॉक्स है उसमें पावर आ चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह आप खुद से घर पे